एक चलती हुई स्कूल वैन नू अचानक अग लग गई। यह अग शॉर्ट सर्किट कारण लगी है ते जदों इस अते जदों ही हादसा वापरिया तां इस वैन दे विच बच्चे भी सवार सन, जिस कारण बच्चे इस हादसे नू वेख के घबरा गए। यह घटना फरीदाबाद तो सामने आई है जिथे स्कूली वैन दे विच सवार होके बच्चे स्कूल जा रहे सन ते रस्ते दे विच ही यह हादसा वापर गया, पर गनीमत रही के किसे दा कोई जानी नुकसान नहीं होया। अते जदों वैन चालक ने सीटां दे थल्ले तो धुआं निकलदा देखिया तां उसने मौके ते वैन रोक दित्ती अते बच्चियां नू सब तो पहला वैन तो बाहर कढ़िया अते फिर मिट्टी पा के वैन दे विच लगी अग नू काबू किया गया। वैन चालक विकी ने दसिया कि उसनु समा रहिंदे ही शॉर्ट सर्किट का पता लग गया सी, जिसके चलते उसने समा रहिंदे वैन दे विचों बच्चियां नू बाहर कढ़िया अते कहा कि जे इस शॉर्ट सर्किट का समय रहिंदे पता ना लगता तो वैन दे विच अग भी लग सकती सी अते कोई वड्डा हादसा वापर सकता सी। निशु गाड़ी में आग लगी है, कैसे कैसे लगी आग? चलते चलते हम अपने आप धुआं उठने लग गया है। आप शेप हो, कौन सी क्लास में हो? सिक्स क्लास में। कौन से स्कूल से हो? विश्व भारती। क्या नाम आपका? विक्की जी, क्या क्या करते हो आप? ये वायरिंग शॉर्ट की वजह से। नहीं नहीं, काम क्या करते हो? स्कूली गाड़ी। स्कूली गाड़ी में आग लग गई थी, किस कारण आग लगी थी? ये वायरिंग शॉर्ट की वजह से। वायरिंग शॉर्ट हुई तो आपको कैसे पता लगा? मुझे तो नीचे से धुआं आ रहा था। पीछे धुआं आ रहा था तो कितने बच्चे थे इसमें? इसमें पाँच। कौन से स्कूली गाड़ी है? विश्व भारती। तो आँख पर जब आग लगी तो आँख पर काबू कैसे पाया आपने? पानी वानी मिल गया था वो तो बाद। पानी वानी मिल गया था। पुलिस में इसमें कोई कंप्लेंट करी? फायर ब्रिगेड बुलाया। ठीक, कोई बच्चों को नुकसान तो नहीं होगा ज़्यादा? नहीं। ठीक, अमरजीत जी सुबह गाड़ी में आग लगी थी, कैसे लगी थी कुछ बता सकते हो उस बारे में? जैसे ही मैं 7 बजे ड्यूटी पे आया और मैंने देखा अचानक पुल से उतरते समय एक वैन आ रही है जिसमें 5-6 स्कूल के बच्चे थे और अचानक ही उसमें आग लग जाती है। हमने अपने सूझबूझ से काम लिया, हमारे पड़ोस में पानी था, पानी भर के हमने गाड़ी में डाला कि आग बुझाई। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, इसको फ़ोन किया, दोनों पार्टियाँ आई और जब तक कि आग पर काबू पा लिया गया था। किसी को कोई काम नहीं हुआ, बच्चे सारे सेफ है, ड्राइवर सेफ है, सिर्फ गाड़ी थोड़ी चली है और कोई नुकसान नहीं, सारा काम ठीक है। ठीक है। एक चलती हुई स्कूल वैन नू अचानक अग लग गई। यह अग शॉर्ट सर्किट कारण लगी है ते जदों इस अते जदों ही हादसा वापरिया तां इस वैन दे विच बच्चे भी सवार सन, जिस कारण बच्चे इस हादसे नू वेख के घबरा गए। यह घटना फरीदाबाद तो सामने आई है जिथे स्कूली वैन दे विच सवार होके बच्चे स्कूल जा रहे सन ते रस्ते दे विच ही यह हादसा वापर गया, पर गनीमत रही के किसे दा कोई जानी नुकसान नहीं होया। अते जदों वैन चालक ने सीटां दे थल्ले तो धुआं निकलदा देखिया तां उसने मौके ते वैन रोक दित्ती अते बच्चियां नू सब तो पहला वैन तो बाहर कढ़िया अते फिर मिट्टी पा के वैन दे विच लगी अग नू काबू किया गया। वैन चालक विकी ने दसिया कि उसनु समा रहिंदे ही शॉर्ट सर्किट का पता लग गया सी, जिसके चलते उसने समा रहिंदे वैन दे विचों बच्चियां नू बाहर कढ़िया अते कहा कि जे इस शॉर्ट सर्किट का समय रहिंदे पता ना लगता तो वैन दे विच अग भी लग सकती सी अते कोई वड्डा हादसा वापर सकता सी। निशु गाड़ी में आग लगी है, कैसे लगी आग? चलते चलते हम अपने आप धुआं उठने लग गया है। आप शेप हो, कौन सी क्लास में हो? सिक्स क्लास में। कौन से स्कूल से हो? विश्व भारती। क्या नाम आपका? विक्की जी, क्या क्या करते हो आप? ये वायरिंग शॉर्ट की वजह से। नहीं नहीं, काम क्या करते हो? स्कूली गाड़ी। स्कूली गाड़ी में आग लग गई थी, किस कारण आग लगी थी? ये वायरिंग शॉर्ट की वजह से। वायरिंग शॉर्ट हुई तो आपको कैसे पता लगा? मुझे तो नीचे से धुआं आ रहा था सर। पीछे धुआं आ रहा था तो कितने बच्चे थे इसमें? इसमें पाँच। कौन से स्कूली गाड़ी है? विश्व भारती। तो आँख पर जब आग लगी तो आँख पर काबू कैसे पाया आपने? पानी वानी मिल गया था। पुलिस में इसमें कोई कंप्लेंट करी? फायर ब्रिगेड बुलाया। ठीक, कोई बच्चों को नुकसान तो नहीं होगा ज़्यादा? नहीं। ठीक, अमरजीत जी
सुबह गाड़ी में आग लगी थी, कैसे लगी थी कुछ बता सकते हो उस बारे में? जैसे ही मैं 7 बजे ड्यूटी पे आया और मैंने देखा अचानक पुल से उतरते समय एक वैन आ रही है जिसमें 5-6 सिक्योरिटी बच्चे थे और अचानक ही उसमें आग लग जाती है। हमने अपने सूझबूझ से काम लिया, हमारे पड़ोस में पानी था, पानी भर के हमने गाड़ी में डाला कि आग बुझाई, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, इसको फ़ोन किया, दोनों पार्टियाँ आई और जब तक कि आग पर काबू पा लिया गया था। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बच्चे सारे सेफ है, ड्राइवर सेफ है, सिर्फ गाड़ी थोड़ी चली है और कोई नुकसान नहीं, सारा काम ठीक है। ठीक है।